बॉलीवुड की कंट्रोवर्सी क्वीन राखी सावंत, जिनके हर कदम पर मीडिया की नजर रहती है, इस बार एक गंभीर हेल्थ कंडीशन से जूझ रही है। हाल ही में राखी सावंत की ट्यूमर की सर्जरी हुई थी। सर्जरी सफल तो रही, लेकिन इसके बाद से राखी सावंत को होश नहीं आया है और वो कोमा में चली गई है। डॉक्टर्स ने बताया कि राखी का ब्लड प्रेशर और डायबिटीज लगातार फ्लक्चुएट हो रहा है, जिससे उनकी हालत और भी नाजुक होती जा रही है। उनका शरीर इस स्ट्रेस को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, जिसके कारण उनके ऑर्गन्स ने काम करना लगभग बंद कर दिया है। डॉक्टर्स का कहना है कि अगले 15 दिन राखी की जिंदगी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। अगर इस दौरान उनकी हालत में सुधार नहीं हुआ तो उनकी जान बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। राखी के एक्स हस्बैंड रितेश सिंह ने भी इस बात की पुष्टि की है कि राखी को पिछले कुछ समय से जान से मारने की धमकियां मिल रही थी, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा मेंटल ट्रॉमा में थी और इन धमकियों की वजह से ही राखी बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थी। राखी के फैंस के लिए ये खबर बेहद दुखद और चिंताजनक है। सोशल मीडिया पर राखी के चाहने वाले उनके जल्द ही ठीक होने की प्रार्थना कर रहे हैं और अपनी चिंता उनके लिए व्यक्त कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि राखी सावंत बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी और फिर से हमें वैसे ही एंटरटेन करने के लिए पर्दे पर वापस आएंगी। तो दोस्तों, आप भी राखी सावंत की हेल्थ के लिए प्रार्थना करें। और भी बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।